नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। हम बात कर रहे हैं सुश्री किरण शर्मा जी की। जी हां, भाजपा की एक ऐसी कार्यकर्ता जिन्होंने अब तक अपने जीवन के 20 वर्ष भाजपा को समर्पित किए हैं। शर्मा ने चर्चा में कहा कि वे पार्टी को अपनी मां की भांति मानती हैं, इसलिए हमारी पहचान सिर्फ कमल है। मैं भाजपा से ही अपनी दावेदारी प्रस्तुत करना चाहती हूं, किंतु जैसा कि हमारी पार्टी व उसके संगठन में ही तय होता है कि टिकट किसको दी जाएगी, तो मैं भी यह फैसला अपने संगठन पर ही छोड़ती हूं। सुश्री शर्मा जिला महिला मोर्चा में मंत्री पर कार्यरत हैं, साथ ही नगर महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी वे रही हैं। अपनी पार्टी से मिले दायित्व को पूर्ण निष्ठा से उन्होंने निभाया है। उन्होंने आगे बताया कि वे स्वर्गीय भावेश शर्मा की बहन हैं, जो भाजपा और जिले के लिए जाना पहचाने नाम है। उनका अल्प आयु में निधन हो गया और उन्होंने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया था। हमारे परिवार के लिए यह बहुत बड़ी क्षति है। हालांकि हम अपने दायित्वों के प्रति कटिबद्ध हैं, आगे ईश्वर की मर्जी। बहरहाल सुश्री शर्मा की दावेदारी आ जाने के बाद भाजपा से मजबूत दावेदारों में अब प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। देखना यह है कि कौन भारी पड़ता है और पार्टी किस पर दांव लगाती है। हमारा यह क्रम स्थिति साफ हो जाने तक व दावेदारों के सामने आने तक चलता रहेगा। मैडम, आप एक बात बताइए, अभी वाराणसी नगर पालिका चुनाव की सरगर्मियां चालू हो गई है और इस दौरान विभिन्न लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जैसे भाजपा कांग्रेस से भी कुछ नाम अभी सामने आए हैं, इसमें आप किस पार्टी से दावेदार होना चाहती हैं या किसमें अपनी दावेदारी रखती, किस पार्टी से आप चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं? सबसे पहले तो जय जय श्री राम, ये नारा हमारी भारतीय जनता पार्टी का है और मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ। अभी वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा में, जिले महिला मोर्चा में मंत्री के पद पर हूँ और मैं उसी पर, उस पद पर कार्य किया है मैंने। इसके पहले मैं वाराणसी में महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी और मैंने वो भी कार्य अच्छे से किया है। आपका राजनीतिक करियर कितने वर्षों का माना जाए? कम से कम मुझे 20 साल तो हो गए राजनीति में सक्रिय रहते। आपके पारिवारिक अगर बैकग्राउंड में देखा जाए तो आपके हाँ। परिवार में कोई राजनीतिक क्षेत्र से था जी क्या? हाँ, वैसे तो हमारे माता पिता पहले से भारतीय जनता पार्टी के ही पक्षधर रहे हैं और फिर भावेश शर्मा वाराणसी के लोगों के लिए नहीं वरना जिले के लोगों के लिए भी कोई अनजान नाम नहीं है। मैं उसी भावेश शर्मा की बहन हूँ और भावेश शर्मा के परिवार से ही मेरा नाता संबंध है। अच्छा, अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें जो महिला आरक्षण आया है उस संबंध में आपके क्या विचार है? बस यही चाहती हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में तो जो भी प्रत्याशी तय किया जाता है वो पार्टी की तरफ से ही तय किया जाता है, पार्टी के वरिष्ठों की तरफ से ही तय किया जाता है। और फिर अभी वर्तमान में नगर पालिका में जो आरक्षण हुआ है वो जनरल सामान्य महिला के लिए हुआ है, जो कि काफी वर्षों के बाद आया है। इसीलिए मेरी बस यही इच्छा है और मैं यही मानती हूँ कि वाराणसी में जो नगर पालिका के लिए जनरल महिला का जो आरक्षण हुआ है, बस पार्टी उसी आरक्षण को ध्यान में रखते हुए अपना प्रत्याशी तय करे। तो आप मतलब चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं? जी हाँ। अब जैसे कि नगर पालिका के बारे में आप जानती हैं, तो आपके आप अगर मान लो भविष्य में आप कैंडिडेट के तौर पर चुनी जाती हैं और अगर आप निर्वाचित भी हो जाती हैं, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी? देखिए, नगर पालिका से लोगों की सिर्फ यही अपेक्षा रहती है, सड़कें सही हो, शहर में पानी की अच्छी व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, साफ सफाई हो। और एक सबसे बड़ी बात है कि नगर पालिका के जो कर्मचारी है सबसे मेन वो संतुष्ट रहना चाहिए, वो साथ देना चाहिए, तो नगर पालिका बहुत अच्छे तरीके से अपना पूरा दायित्व तो निभाती है। अब जैसे कि कांग्रेस में प्रत्याशियों के जो अभी नाम है वो सामने नहीं आए हैं, लेकिन चर्चाएं बहुत लोगों की चालू हैं। भाजपा से कुछ नाम सामने आ गए हैं और उन सब उनके विषय में भी अभी चर्चाएं चालू हैं और आगे और भी और सदस्य जिनके बारे में चर्चाएं चालू। आप कैसे ये मानती हैं कि ये टिकट आपको दी जाए? देखिए, टिकट हमको दी जाए ये हम इसलिए मानते हैं क्योंकि एक तो मैं 20 वर्षों से सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही हूँ। पार्टी ने मुझे जब भी जो भी जैसा भी दायित्व दिया मैंने पूरा ईमानदारी के साथ निभाया। और पुराने समय में, पहले के समय में जो हमारे पूर्व विधायक जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, उन लोगों ने भी जब चुनाव लड़े तो हमने पूरा उनका साथ दिया, कंधे से कंधा मिला के पूरा उनका साथ दिया। और अब हम भी चाहते हैं कि भाई जब जनरल आया है तो हमारी अपेक्षा है, वरना जनरल नहीं रहता तो हम भी कोशिश भी नहीं करते हम तो। अच्छा, जैसे कि अभी अब जैसे आप मान लो अगर आपको पार्टी से टिकट वापस नहीं दी जाती है तो फिर आपकी क्या गतिविधि रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी कि मुझे पार्टी ही अपना प्रत्याशी बनाए क्योंकि हमारा
कमल ही हमारा निशान है और फिर आगे देखेंगे जैसा जो होगा। वैसे तो पूरी इच्छा यही है कि हमें पार्टी नहीं, अगर मान लो आपकी पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देती तो क्या आप बागियों की चुनाव लड़ सकती हैं? नहीं नहीं जी नहीं, हम पार्टी में ही थे, पार्टी में है और पार्टी के ही रहेंगे, सिर्फ कमल कमल और कमल के ही रहेंगे। अच्छा ठीक है मैडम, धन्यवाद जी।